नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्किन स्किन पे हम बहुत सारी रेमेडीज यूज़ करते हैं बहुत सारे सीरम्स महंगे महंगे सीरम्स फेस क्रीम्स नाइट क्रीम डे क्रीम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं एंड तब हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आता है तो आज मैं आपको फेस ग्लो के लिए दो बहुत ही अमेजिंग टूल्स बताऊँगी जिससे आपके स्किन अपलिफ्ट होगी जिससे आपका रिंकल्स रिमूव होगा जिससे आपका फ़ेस ग्लोई बनेगा जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन है स्किन में वो इन्हांस होगा आपका फ़ेस ज़्यादा फ्रेश दिखेगा आपका फेस सूद होगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो द सबसे पहला टूल है इस जेड रोलर और ये जेड स्टोन से बना होता है इसको हमारे अपने फेस पे इस तरह से मसाज करना आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो आप सीरम यूज़ करो एलोवेरा जेल यूज़ करो ऑयल्स यूज़ करो कुछ भी यूज़ करो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपके स्किन पर डीपली पेनिट्रेट भी होना चाहिए तो उसको ये डीप एब्जॉर्व कराता है हमारे स्किन पे आपको इसको सबसे पहले इसको फ्रीज में रखना है हमेशा बिकॉज ये बहुत ही ठंडा होता है और अगर आप इसको फ्रीज में रखोगे तो ये और ज़्यादा आपकी स्किन को सूद करेगा जो भी मॉर्निंग में पफनेस हो जाती है हमारे स्किन में वो सब चीज़ को ये रिमूव करता है हम इसको मॉर्निंग में यूज़ करेंगे और नाइट में यूज़ करेंगे तो मॉर्निंग में हम फ्रीज से इसको निकाल करके अपने प्रोडक्ट को स्किन पे अप्लाई करके और तब हम इसको तो अब वो डायरेक्शन में इस तरह स्ट्रोक्स देंगे और इससे हमारी स्किन अपलिफ्ट होती है इससे हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बता बिकॉज ये हमारे स्किन पे मसाज कर रहा है एंड एज वी ऑल नो मसाज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसमें दो टाइप के रोलर दिए हैं दिस इज फॉर चीक्स और हेड के लिए आप इस तरह से हेड पे भी इसको कर सकते हो एंड द सेकंड जो छोटा सा रोलर है वो हमारे आईज अराउंड के लिए तो आईज़ के अराउंड हमें मॉर्निंग में स्पेशली बहुत पफिनेस हो जाती है या फिर हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आईज़ के अराउंड बहुत सारे रिंकल्स होते हैं और आईज़ के अराउंड इधर भी बहुत लोगों को बहुत रिंकल्स होते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर रिंकल्स को फेड कर सकते हो इससे अगर आप आई क्रीम अप्लाई करते हो तो आई क्रीम आपने लगा लिया और इससे आपने मसाज कर लिया उससे आई क्रीम और भी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाता है एबजॉर्ब हो जाता है जिससे जो भी प्रोडक्ट की गुडनेस हैं वो और ज़्यादा हमें मिलते हैं और हाँ बिल्कुल सूखे फेस पे आपको नहीं करना है बिकॉज आप कोई प्रोडक्ट लगा के रहो ये ये बहुत ही स्मूदली ग्लाइड होगा आप आई क्रीम लगाओ या फिर फेस क्रीम लगाओ या फिर मॉइस्चराइज़र कोई सा भी लगाओ तब जा कर के आप इसको अपने फेस पे ग्लाइड करो आपको बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा आप ऐसे भी देखोगे तो ये जेड रोलर मिलते हैं बट उसका जो स्टोन क्वालिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है और मैंने यूज़ किया है ऑलरेडी कुछ और कम कुछ और ब्रांड्स के भी बट उसके स्टोन बहुत ही ईजीली टूट जाते हैं और इसका स्टोन भी बहुत ठंडा है बहुत अच्छा है इसका स्टोन तो इसलिए मैंने इसको मास्क से मंगाया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और मैं इसको कैसे अपने फेस पे अपने करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा नाउ कम टू द टूल ये है हमारा गोवा शाह है और ये भी काफी सूदिंग होता है आप इसको भी फ्रीज में रखिएगा तो एकदम सूदिंग रहेगा ये जो हमारा होता है ये हमारे स्किन के लिम्प को रिमूव करने में हेल्प करता है फेस फैट को रिमूव करने में हेल्प करता है हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करके इसको लिफ्ट करेंगे तो हमारे जॉ लाइन जो है वो बहुत ही शार्प बनते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके करिएगा तभी अच्छे से ग्लाइड भी होगा और वो प्रोडक्ट भी अच्छे से पेनिट्रेट होगा आप ये गुआशा मसाज वीक में एक से दो बार कर सकते हो बहुत ही अच्छे से आपका स्किन लिफ्ट करेगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका रिमूव होगा स्किन पे जो एक्सेस फैट होते हैं वो रिमूव होगा और ये जेड रोलर आपको एवरी डे यूज़ करना है मॉर्निंग एंड नाइट इससे आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलना स्टार्ट करेगी वो अच्छे से एब्जॉर्व हो गया आपका फ़ेस लिफ्टेड दिखेगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपके फ़ेस पे ग्लो दिखेगा सो या डेफिनेटली ट्राई दिस ओके सो चलते हैं अब एप्लीकेशन पे तो मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ आप जो भी सीरम अप्लाई करते हो या ऑयल्स अप्लाई करते हो आप उसको अप्लाई कर लो और इस तरह से मैं अपने फेस पे इसको लिफ्ट कर रही हूँ इस तरह से आप कर सकते हो अपने फेस पे इसको या फिर आप फ़ेस पे डायरेक्ट इसको रोल कर सकते हो जिस तरह मैं आपको बता आ रही हूँ दोनों से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे और आपके फेस में लिफ्ट होगा और फिर जो स्मॉलर सेक्शन होते हैं हमारे फेस पे लाइक माउथ एरिया आई एरिया उस पर आपको इस छोटे से रोलर से आपको रोल करना है और बहुत ही इजीली रोल हो जाता है और बहुत ही सूद करता है फ्रीज में रखिएगा ठंडा ठंडा रहेगा तो बहुत इजीली आपके पफिनस भी रिमूव करता है इस तरह से आप रोल कर लीजिएगा अराउंड योर आईज एंड आइज़ के साइड में भी रिंकल्स हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से इसको रोल करना है अपने फेस पे इसको मसाज करना है विद दिस रोलर आईब्रोज के बीच में इस छोटे से रोलर से कर सकते हो एंड देन ऑन द हेड बड़े वाले रोलर से और जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी मुश्किल हो वहाँ पे आपको छोटे वाले रोलर से करना है और आप नेक पे भी इस तरह से इसको रोल कर सकते हैं अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आपको उससे सॉल्व हो सकती है काफ़ी हद तक और फिर मैं आपको गोवा शाका करके बता रही हूँ तो फिर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए और इस कॉर्नर वाले पोर्शन से आपको जॉ को इस तरह से डिफ़ाइन करना है जॉ पे मसाज करना है इससे इससे आपके जॉज़ के जितने भी एक्सेस फैट होंगे वो रिमूव होंगे चिक पे आपको इस कर्व पोर्शन से लिफ्ट करना है लाइक like दिस और जो उसका अपोजिट पोर्शन है उससे आपको हेड पे करना है आप देख सकते हो तो इस तरह आप करिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सो सोलट्स गो ऑन द अनबॉक्सिंग एरिया तो अब ये देखिए मास बाय जीएससी से है और ये वी नो मैन लिखा है ऑफ कोर्स बहुत सारे मैन के प्रोडक्ट्स आते हैं बट स्पेशली दिस प्रोडक्ट ये फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं मैं भी यूज़ करती हूँ और ये इस तरह से ग्रीन पाउच में आता है दिस इज़ वेरी अमेजिंग एक्चुअली सबको अपने स्किन ग्लो करने का बराबर का हक है तो ये मैन वुमेन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और इसको रखने के लिए यहाँ पे हमें ग्रीन पाउच भी मिला है दिस इज़ वेरी अमेजिंग सैटिन का पाउच आप इसमें इसको इस तरह से डाल सकते हो और इसको इस तरह से कैरी भी कर सकते हो तो ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी है और अब बात करते हैं इसके एमआरपी का तो एमआरपी है इसका 499 बट आपको इसको, इसको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा और आप इसको मास के वेबसाइट से भी मंगा सकते हो या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा ये दोनों बहुत ही अमेजिंग टूल है और ये दोनों कॉम्बो पैक में मिलता है फॉर जस्ट फोर नाइन्टी नाइन सो याद सॉल्स यो इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय